हेलो दोस्त, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं आरबी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज स्टेंजर पीवीटी 701 का डायग्राम समझाने के लिए हम जा रहे हैं। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट मेरा है कि अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंचे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए, मैं पहले से जो है आज का कुछ स्ट्रक्चर को बना रखा है ताकि कम समय में आपको हम विशेष जानकारी दे सके। तो ये आपका स्टेंजर पीवीटी 701 का वायरिंग है। आपका जो है हम डिटेल्स बतलाएंगे इसमें, पहले कौन सा सामान हम इस तरह से जो बनाए हुए क्या है ना। ये बाहरी आवरण का स्ट्रक्चर है जो आप मशीन में देखते हैं। ये आउटपुट सेक्शन है। आउटपुट सेक्शन का मतलब होता है कि जहां से आवाज मशीन को हम बाहर देते हैं, यानी कहने का मशीन से बाहर देते हैं, जो कि स्पीकर होता है। तो स्पीकर को जहां पर जोड़ते हैं तो उस भाग से लेकर के अंदर तक हम आते हैं, है ना। तो इस विभाग में हमारा फंक्शन किस तरह से काम करता है, यानी आउटपुट सेक्शन। यानी आउटपुट का मतलब होता है कि मुंह से आवाज को बाहर जो आप निकालते हैं, तो उसी तरह से स्पीकर से हमारा आवाज जो बाहर निकलता है तो आखिर वो कहां से आता है, किस प्रकार होता है, कैसे कैसे होता है। तो आज हम उसी पर डिटेल्स बताएंगे कि इसकी वायरिंग किस प्रकार होता है। मशीन में इसे बहुत सारा कभी चूहा तार काट देता है, या किसी कारण से हम वायर को नोच दिया या हटा दिया, कट गया, छट गया, तो काफी परेशानी हो जाती है। तो आज इस चीज को हम आपके द्वारा आपको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे ये क्या है। ये आप जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है। यहाँ से आपको जो है स्पीकर बजाने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन है 2 ओम से, 4 ओम से, और यहाँ पर 70 वोल्ट और 100 वोल्ट है। यानी यहाँ से आपका जो है ये आउटपुट ट्रांसफार्मर से ये सिस्टम बनता है, ठीक है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं लोड रेजिस्टेंस है, जिसके इसके द्वारा जो है कि हम सप्लाई को कुछ जो है वर्क कराने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस हो गया। और इसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये आपका मॉड्यूल है। जैसे आप एम्पलीफायर में देखते होंगे कि बीच में एक हेडसिंक लगा होता है, और हेडसिंक के बीच में दोनों साइड ट्रांजिस्टर लगा होता है, जो कि आपको जो है उसमें दोनों साइड जो ट्रांजिस्टर होते हैं, जो आपका सीरियल 2N 3773 लगा होता है दोनों साइड में। और एक साइड में जो आप देखते हैं तो उसका कुल पेयर जो है 10 पीस लगा होता है। आई ट्रांजिस्टर जो लगा रहता है वो मेटल का होता है, और ये 10 पीस लगा हुआ रहता है, जिसमें जो है 10 पीस इस तरह से सीरियल से, यानी 5 पीस ऐसे और 5 पीस ऐसे लगा रहता है। जैसे हम डिटेल्स कुछ हम दिखलाना चाहेंगे आपको स्क्रीन पर, तो आप देखिए, जैसे हमने यहाँ पर ग्राफ पहले से बना रखा है, तो आप मेरे ग्राफ को देख रहे हैं ना। ये देखिए, ये मेरे ग्राफ को आप देख रहे हैं, इस तरह से जो है मैंने ना पहले से इसको बना रखा है। तो यहाँ पर मैंने समझाने के लिए दोनों साइड को अलग अलग थोड़ा सा हमने ये किया। देखिए, एक भाग का इधर हो गया है ना, और एक भाग का इधर हो गया। तो जो है ये आपका फुली अलग हो गया, ये जो है राइट साइड का हो गया और ये लेफ्ट साइड का हो गया। तो लेफ्ट साइड में जिस तरह से आपका लगा रहता है वो पूरा स्ट्रक्चर, यानी 5×10, यानी इधर भी और 5×10 को इधर भी लगा हुआ रहेगा। अभी हम समझा रहे सिर्फ इस भाग से, यानी ये हमारा आउटपुट सेक्शन है ना। यानी ये आउटपुट सेक्शन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये आउटपुट सेक्शन का स्ट्रक्चर है। और इसका संबंध कहाँ कहाँ से कैसे होता है, आप इसको फुली आप कनेक्शन कैसे करोगे, तो आज हम इसका कुछ स्ट्रक्चर के अनुसार हम बतलाएंगे। अब देखिए, इसके कुछ हम नंबर दिए हुए हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। देखिए, कुछ नंबर है, यानी 2 नंबर 1 नंबर है ना। इस तरह से हमने यहाँ भी नंबर डाला है और यहाँ भी नंबर डाला है। तो इस तरह से हम नंबर को इसके दर्शा दिए कि हमारा कनेक्शन करने में इजी और आसान हो जाए। क्योंकि जब हम वायरिंग करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा वायर जैसे अब इस पर हम बतलाएंगे, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। तो हम इसको फुली समझने के लिए हम नंबरिंग कर दिया है कि 2 नंबर का वायर और 2 नंबर का वायर यहाँ से ये जुटेगा। आज से देखिए, हम यहाँ से लेके चला है ना, ये 2 नंबर का वायर को हमने इस पर लाकर जोड़ दिया। अब जरूरी नहीं कि हम यहाँ पर जोड़े, ये हमारा देखिए यहाँ तक ग्राफ आ चुका है ना, ये प्रिंट हमारा जो है यहाँ तक आ रहा है, ये प्रिंट पर भी हम जोड़ सकते हैं। तो 2 नंबर से मैंने कनेक्शन 2 नंबर को कर दिया। अब देखेंगे इसमें और कहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर दर्शा रहा है। अब हमारा देखिए 1 नंबर यहाँ आउटपुट ट्रांसफार्मर का है ना, यहाँ पर भी दर्शा रहा है। तो यहाँ से हम 1 नंबर को यहाँ जोड़ेंगे, अर्थात देखिए यहाँ से इस तरह से वायर को ले जाएंगे है ना, और इस तरह से जो हम वायर को जोड़ देंगे। तो अब यहाँ जोड़े, चाहे यहाँ पर जोड़े, चाहे यहाँ जोड़े, चाहे यहाँ जोड़े है ना, प्रिंट तो हमारा एक ही है, लेकिन आपको समझने के चलते
हमने ऐसा यहाँ पर किया, अर्थात चाहते तो हम यहाँ भी जोड़ सकते थे, यानी यहाँ से एक नंबर को यहाँ से जोड़ते और यहाँ से फिर दो नंबर को हम यहाँ जोड़ते, यानी दोनों प्रिंट आप देख रहे हैं यहाँ पर ला करके मिलाया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से हमने जो है इसका कनेक्शन जो है यहाँ पर मैंने किया। अब इसमें आपको देखने को मिल रहे होंगे कि और भी कुछ इसमें ऐसा सिस्टम जो है एक्स्ट्रा नहीं, यानी आउटपुट का सिर्फ इस ट्रांसफार्मर का मैंने बताया कि इस ट्रांसफार्मर का और इस लोड रेजिस्टेंस का कनेक्शन कहाँ जुटता है, यानी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हम इसी तरह से हम बताएंगे ताकि आप कनेक्शन को बढ़िया से आप कर सकते हैं। यानी जो है ये फर्स्ट स्टेप हमने बतलाया जो कि एक यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस का और ये आउटपुट ट्रांसफार्मर का, यानी इसका संबंध जो वायर का कनेक्शन होता है कहाँ होता है। तो मैंने एक यहाँ तार को जोड़ा जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना, और एक यहाँ से यहाँ पर जुटा, यानी इसका और भी इसका अब कनेक्शन, यानी इस रेजिस्टेंस का कनेक्शन कहाँ से जुटता है और इसका कनेक्शन कहाँ जुटता है। यानी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आउटपुट ट्रांसफार्मर कनेक्शन और लोड रेजिस्टेंस का कनेक्शन हमने आपको बताया, और ये आप जो देख रहे हैं ये आपका जो है ट्रांसफार्मर से जो निकला हुआ आपका लूप जो होता है, आप देखते हो मशीन के बैक में आप कॉमन और दो ओम्स चार ओम्स जो रहता है यही से वायर आपका जुटा हुआ रहता है, और एक साइड एलटी यानी यूनिट एलटी ड्राइवर जाने के लिए जो है 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का रहता है। तो इसी ट्रांसफार्मर से हमारा जो है आउटपुट होता है, इस भाग को हम आउटपुट सेक्शन से संबंध जोड़ते हैं। तो आउटपुट से हम जब इस चीज को हम देखते हैं तो इसका रिलेशन हमारा सिर्फ एक तार यहाँ इसका जुटता है और एक वायर का तार इसका एक लोड रेजिस्टेंस का वायर यहाँ जुटता है, अर्थात इसकी जो भी हमने बताया अभी इससे कहीं भी और ज्यादा जो है आपका मॉड्यूल पर कनेक्शन नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज जो है कि ये आउटपुट का कनेक्शन इस मॉड्यूल से संबंध जो रखता है कहाँ कहाँ जुटता है। तो आज का इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर इसका विस्तार को मैं लेकर आऊंगा। जब तक के लिए धर्मेंद्र कुमार का नमस्कार।